आज जेके न्यूज़ टुडे के दर्शकों के लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक श्री बृजराज शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर पीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। आज मौका है जब जम्मू यूनिवर्सिटी अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रही है और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के एक सितारे रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में काफ़ी जगहों पे जम्मू का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में, जब जो कि अपना फाउंडेशन डे कल यानी कि 5 सितंबर 2022 को मनाने जा रही है। ब्रज जी, बात करें अगर तो 70s, लेट 70s और 80s में आप यूनिवर्सिटी में थे जी। 1970s, लेट 70s, आई थिंक बिगिनिंग 73। उन्होंने यूनिवर्सिटी तो 11वीं से शुरू हो जाती थी जी, 11 से। तो मैंने एमएम कॉलेज ज्वाइन किया था 1973 में जी, जी। तो आप समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मेरी जो एसोसिएशन है जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ जी, 73 से लेके 82 तक तो मैं स्टूडेंट रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ जी जी जी। तकरीबन ब्रज जी, मेरे को याद आ गया, मतलब 77 से लेके, आई मीन अगर कॉलेज की बात की जाए तो 73 से ही मैं कठुआ कॉलेज में था, तो आप एमएम कॉलेज में थे। यूनिवर्सिटी का साथ हमारा रिश्ता तो तभी से जुड़ गया था, लेकिन जब कैंपस में एंटर करे हम, मैं 1977 में तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, आपका डिपार्टमेंट मैं पॉलिटिकल साइंस था, आप पॉलिटिकल साइंस में ओल्ड कैंपस में, ओल्ड कैंपस में था मैं पहले 77 में मैंने जो आप कॉमर्स कॉलेज है, आप कॉमर्स कॉलेज है, तो 77 से 79 में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया वहाँ पे, और उसके बाद मैंने फिर लॉ फैकल्टी ज्वाइन की और उसमें मेरा जो पहला साल था 79-80 वाला जो फर्स्ट ईयर था वो, तब हम ओल्ड कैंपस में रहे, तब ओल्ड कैंपस में थे जी, जी। उसकी बगल में आप थे वहाँ पे, इंग्लिश डिपार्टमेंट हुआ करता था, इंग्लिश डिपार्टमेंट हुआ करता था। और उसके बाद फिर ये जो लॉ कैंपस था ये 2 साल के बाद चल शिफ्ट कर गया न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस जो बहुफोर्ट के, जो बहुफोर्ट तवी के किनारे, तवी के किनारे पे है, ये वहाँ शिफ्ट किया। तो लास्ट ईयर मेरा जो लॉ का था वो आपने वहाँ से, वहाँ से मैंने किया फिर। ब्रज जी, अगर याद हम आपने नए कैंपस की बात करी और ओल्ड कैंपस की बात की, आपने तो नया कैंपस देखा, मैंने नया कैंपस नहीं देखा क्योंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट शिफ्ट नहीं हुआ था। लेकिन हमें याद आता है कि प्रोफेसर सत्यभूषण वाइस चांसलर हुआ करते थे, वो जम्मू के थे, और उनका एक बड़ा होता था, जब भी कोई स्टूडेंट्स की एजिटेशन होती थी या कोई प्रोटेस्ट होता था तो वो दो बातें ज़रूर कहते थे, कहते भैया आप जो मर्जी करो, प्रोटेस्ट करो, मैं आप लोगों के लिए एक प्लाजा बना रहा हूँ नए कैंपस में जहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। और फिर जापान की वो मिसाल दिया करते थे कि ब्लैक बैंड पहन लेते हैं, बाकी क्लासेस बायकॉट नहीं करते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट कहते थे कि भाई मैं तो जम्मू का हूँ, मेरे को नया कैंपस बनाना है। उन दिनों आपको पता है कि सीमेंट और सरिया और इसकी बड़ी दिक्कत होती थी जी, जी। तो वो कहते थे यार मेरी मदद करो इसमें ताकि मैं कैंपस बनाऊँ, और मैं इसलिए भी कैंपस बनाना चाहता हूँ, एक तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, कल को जब मैं यहाँ से नहीं रहूँगा तो जम्मू के लोग मेरे से पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया जी, 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 बिल्कुल। तो आपको याद होगा, तो आप ये थोड़ा सा दोहराएंगे हमारे लिए कि क्या। देखिए, जो प्रोफेसर सत्यभूषण जो एजुकेशनिस्ट होते हैं तो वो एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थे, उसके साथ बड़े एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर भी थे साथ, तो उनका विजन एकदम क्लियर था। और जम्मू यूनिवर्सिटी का बोले आप उस समय नेसेंट स्टेज में ही थी जी, जी। क्योंकि ये जम्मू यूनिवर्सिटी की जो वजूद में आना वो इटसेल्फ एक एजुकेशनल प्रोसेस से होकर गुजरा था जी। और अगर वो उनको लगता था कि अगर इसको हम कामयाब नहीं करेंगे, और कामयाब दोनों तरीक़ों से था कि
अगर यहाँ पे पढ़ाई ठीक नहीं होगी उसके लिए स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए, और उसी के लिए अगर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अच्छी क्लासरूम और बिल्डिंग चाहिए और वो नहीं बनेगी, तो शायद जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसलिए वो बड़े अपने प्यार से और बट येट वेरी फर्मली वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा क्रॉस करते थे कि आप पढ़िए, आप एजुकेशन ज़रूर करिए बट अपने पढ़ाई की कॉस्ट पे मत करिए, और दूसरा है कि उसको अपनी जो एजुकेशन को, मेरा जो विजन है वो कहते थे कि साहब उनको इफेक्ट इसका इस विजन को शेयर्ड विजन की तरह से कहते थे, बिल्कुल, कि ये आपका ही विजन है, मेरा नहीं है और मैं तो सिर्फ इसका करणधार हूँ या मैं इसका पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बट आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता और ये मेरी कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। तो उसमें आप समझिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की एक चीज है कि टू मोटिवेट पीपल एंड स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कराना और साथ में उनको दर्शाना कि इस प्रोसेस में आप कोई बाईस्टैंडर या एंटागोनिस्टिक स्टैंड वाले नहीं, हम सब हिस्सेदार हैं, मैं वाइस चांसलर हूँ, आप स्टूडेंट हो, पर आपका मकसद और मेरा मकसद एक है। तो वो बड़ा उसको सटली और एक सॉफ्टली पुट अक्रॉस करते थे। मैं समझता हूँ एक कामयाब एजुकेशन वो एक उनका बच्चों का जो एक साइकोलॉजी समझने की क्षमता थी वो दर्शाता था, और एट द सेम टाइम बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करना कि आप बिल्डिंग में रोड़े मत अटकाइए बनने इस पूरे प्रोसेस में, ये भी ज़्यादा कि उनकी नेगोशिएशन स्किल्स किस तरीके से और डिप्लोमेटिकली वो किस तरीके। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए शायद ये उस समय हमें सारी चीज़ें नाइस चीज़ उनके कहने की समझ नहीं आती थी, बट अब इतना वक्त हो गया है तो हम समझ सकते हैं, अब समझ में आता है कि शायद उसमें मैसेज बड़ा शॉर्ट था, सिंपल था, इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट कितना था और उसके अंदर कितने सारे हमारे फ्यूचर के फ्यूचर की स्किल्स इन्वॉल्व थी, जो आपको किसी भी फील्ड में जाए आपकी नेगोशिएटिव स्किल, आपकी मोटिवेशनल स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको काम, तो वो एक प्रोसेस थोड़ा मुझे याद है। ब्रज जी, आपने ओल्ड कैंपस भी देखा और नया कैंपस भी देखा, चूँकि मैंने नहीं देखा तो आप इस ट्रांजिशन को, मतलब ओल्ड कैंपस से उठ के जाना क्राउडेड था काफ़ी, न्यू कैंपस में तब काफ़ी खुली जगह थी, वैसे भी पेड़ भी थे और बहुत कुछ था, तो उसको आप कैसे देखते हैं पढ़ाई के लिहाज से और बाकी? देखिए, ये जो ओल्ड कैंपस था कि आपने ठीक फरमाया कि वो थोड़ा क्राउडेड था और उसके बगल में आपके जी जी एम साइंस कॉलेज भी था, जी जी एम साइंस कॉलेज था, और जब मैंने एक से आपने कहा यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हमारा जो ब्लॉक था जिसमें पॉलिटिकल साइंस, उसी में हिस्ट्री भी था, उसी के आप जूलॉजी भी था, बॉटनी भी था, और उसी के में आपका जियोलॉजी भी था, और सामने सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी, एक छोटे से मतलब काफ़ी सारे भीड़ भाड़ पर यह रौनक काफ़ी रहती थी, आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच थे, तो उसके कैंपस के दौरान आप तो गेट का पोजीशन भी बदल गया है, आप तो बहुत आप तो साइड बदल गई है, आप जो दीवार जो मेन गेट होता था इस कैंपस का, क्योंकि दूसरा कैंपस उसमें हॉस्टल होता था, हॉस्टल होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता था और कुछ डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज था, हिंदी था, उर्दू था, लॉ डिपार्टमेंट था। हाँ, तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में था और डे बोर्ड स्कॉलर था, तो हमारा काम तो उधर सिर्फ होता था कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कभी स्कॉलरशिप अपना देखना हो कि पैसे आए कि नहीं आए, क्यों नहीं आए, तभी हो रहा था, बाकी इधर ही रहता था। तो उसके सामने वहाँ पे अगर आपको भी याद हो कि चाय वाले की दुकान, समोसा, ब्रेड समोसा जिसे आप कहते थे, गिरदारी की दुकान, हाँ गिरदारी की दुकान, ब्रेड समोसा, वो बड़ी फेवरेट होती थी वहाँ पे। तो वो जो कैंपस क्राउडेड था बट येट फुल ऑफ एक्टिविटी था, तो क्योंकि उसके बाद जो मेरा एमए का दूसरा साल भी था वो हम शिफ्ट कर गए थे न्यू कैंपस में, न्यू कैंपस में, तो मैंने दोनों एमए में भी न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस देखा, लॉ में भी देखा। तो जब हमारा जो फाइनल ईयर जो एमए था सेकंड ईयर उसमें हम गए, तो वो बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि इस समय तो बड़ा हरा भरा लगता है और बीच में आप जो न्यू कैंपस है जो तवी के किनारे नया वाला है, तो उस समय हम उतर के तवी का लोहे का पुल हुआ करता था, पुल से पैदल जाया करते थे और पैदल से यहाँ पे आजकल जो फैकल्टी के रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसी में क्रॉस करके जाया करते थे। तो दो ब्लॉक शुरू में आए थे सिर्फ, एक तो जूलॉजी बॉटनी वाला ब्लॉक बना था और दूसरा जो हमारा जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज वाला था, हिस्ट्री वगैरह था।
बिल्कुल जमीन थी, पेड़ वेड़ कम हुआ करते थे। हाँ, बट वहाँ पे आप समझ लें कि इतनी रौनक नहीं थी, बट आप समझे पिकनिक मनाने के लिए जगह अच्छी थी। कि और पॉटनी जो ब्लॉक के सामने उनका एक उनको पेड़ वेड़ उगाने पड़ते थे हमें पढ़ाई लिखाई के लिए, तो एक बड़ा अच्छा क्यूरेटेड गार्डन बन गया था। तो वहाँ जाने का अच्छा लगता था कि ब्रिज है, नदी के ऊपर है। बट उसके साथ अगर आपके तवी जो फ्रंट जो था जो तवी की तरफ, वहाँ पे हम काफी जाया के गरने हुआ करते थे। अच्छा। तो लोग गरने वरने काफी खाया जाया करते थे, बट पेड़ वेड़ थोड़े कम थे उस समय। अच्छा। तो वो थोड़ा दिक्कत आया करती थी, बट खुला था, आज़ादी थी, और आज़ादी में फिर बहुत सारे फायदे बहुत होते। तो अगर ब्रज जी, जहाँ तक मेरे को याद आता है कि हम जब ओल्ड कैंपस में थे और हमारे वाइस चांसलर्स काफ़ी मतलब बाहर से भी आते थे और बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, श्यामाचरण दुबे जी थे, जो कि इंटरनेशनली रशिया पे उनकी बहुत रिसर्च वर्क था, सोशल साइंसेस में उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही। और कुछ वाइस चांसलर्स ऐसे भी आए जब हम बाहर भी आ चुके थे, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल चुके थे, लोकल थे, आर आर शर्मा साहब थे, ये मल्होत्रा साहब थे, और क्या नाम है इनका, अमिताभ मट्टू आए, हालांकि यंगेस्ट आए, यंगेस्ट वाइस चांसलर, वो 6 साल रहे यहाँ पे। तो उसके बाद वरुण साहनी भी आए, और एक अपने आर डी शर्मा साहब थे, और ये हैं अभी प्रोफेसर उमेश राय हैं। तो इन सबके दौरान हमने देखा कि हर एक आदमी का एक विजन था, जो विजन उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहे। तो जब आप उस समय का यूनिवर्सिटी का समय देखते हैं, आज का समय जो है लगभग 40 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसमें आप, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी की तो उसके बाद आपने आईएएस कर ली, आईएएस करने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए और यहाँ के सर्वोच्च जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पद होता है चीफ सेक्रेटरी का, वहाँ तक पहुँचे। तो नेचुरली एजुकेशन को किसी न किसी तरह से आपने क्लोजली देखा, आपने यूनिवर्सिटी की ग्रोथ देखी है, तो इस ग्रोथ को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि इतने 22 सांसद जहाँ पे आए, तो हर एक ने अपना एक विजन है उसको एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और जम्मू यूनिवर्सिटी को एक देश की सबसे अच्छी की यूनिवर्सिटीज़ में एक नंबर रैंकिंग हासिल करवाने के लिए अपना योगदान दिया, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए। अगर आप कहें कि चेंजेस मैंने क्या ऑब्जर्व किए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें कि पहले से आप मच बेटर इक्विप्ड हैं, और दूसरा आप समझ लें कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ भी उसी तरीके से जो हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ गए हैं वहाँ पे, और बट साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो आपस में जो रहता है आपस में, और हॉस्टल्स बन गए हैं, फैकल्टी पहले थोड़ा लिमिटेड रहता था, पूरे हिंदुस्तान से फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो ग्रोथ है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मैं कई बार जैसे आपने कहा कि नौकरी के दौरान भी मैं अलग अलग जो पोजीशंस में मैं इनकी मीटिंग्स में जाया करता था या इंटरेक्ट किया करता था जी। और इवन इससे पीएससी चेयरमैन जो है इनके साथ ही इंटरेक्ट, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में हम इनसे जुड़े रहते थे। तो इससे मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन की अगर आप देखें कि शुरू जब हुई थी अर्ली 70 से जम्मू यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई, तब से लेके ग्रोथ इट हैज़ बीन अप एंड अप कर्व, अप एंड अप कर्व जो है, आप क्वालिटी कह लें और इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लें, तो ये अच्छा लगता है। एक चीज़ और थी ब्रज जी, मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहूँ, उस वक्त जो हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी इमोशनल कनेक्ट भी होता था। मेरे को याद है, अब मैं ये इंसिडेंट मेंशन भी करना चाहता हूँ कि मेरा नॉवल का एक पेपर था
फर्स्ट पेपर था हमारा, तो वो गिरधारी की दुकान से मैंने वो बागरखानी खाई और वो चाय का कप लिया, उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग हो गई और मैं वोमिट कर रहा था और पेपर दे रहा था, फिर बाहर आता था तो हमारी टीचर दीपिका कोतवाल जी, तो उन्होंने क्या किया कि किसी वहाँ पे आर्डली जो था उसकी ड्यूटी लगाई कि जितनी बार मेरा ये शर्ट ख़राब हो जाए तो शर्ट चेंज कराओ, तो इनक्रेज करती रही कि आप पेपर दे दो अरुण, आप पेपर दे दो, आप पेपर मत छोड़ना। हालांकि एक सवाल छूट गया मेरे से, क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिख सका, लकली पास हो गया उस पेपर में। तो वो जो रिलेशनशिप है वो शायद आजकल इतना देखने में नहीं आता। शायद यस, क्योंकि उस समय जो होता था कि आपके जो फैकल्टी होती थी वही अकेला आपका टीचर होता था और वही आपका जो आपका लर्निंग प्रोसेस का एक ही माध्यम होता था, या लाइब्रेरी किताबें हैं या और किताबों और उसके आपके बीच में आपके टीचर हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाने में मदद करते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है तो शायद अब गूगल है, आप टेक्नोलॉजी है, क्लिक का बटन है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, में वैसे ही, तो वैसे ही आप ऑनलाइन हो गया है, तो मे बी जो एक टीचर का जो कनेक्ट होता है स्टूडेंट के साथ वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपकी बात से मैं उससे सहमत हूँ कि उस समय शायद हमारी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे भी याद है कि मैं जब एमए पॉलिटिकल साइंस में था या लॉ में, जो है मेरे जो टीचर्स रहे हैं जैसे प्रोफेसर रेखा चौधरी रही हैं, अपने प्रोफेसर बलवीर सिंह रहे हैं, इसी तरीके से प्रोफेसर भाटिया रहे हैं लॉ फैकल्टी में, तो अभी भी जो लेसन्स उन्होंने दिया अभी याद रहते हैं और जो पर्सनल टच रहता है कि इनकरेज करना। और मुझे अभी भी याद है कि एज ए स्टूडेंट आप लाइब्रेरी से बहुत कम किताबें, दो ही किताबें ले सकते हैं जी जी। तो क्योंकि उस समय मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ तैयारी कर रहा था जी। तो हरदेव सिंह जी हुआ करते थे लाइब्रेरी में चार्ज, तो ऑन इट्स ओन उन्होंने मुझे कहा आपको जितनी किताबें लेनी है आप ले लीजिए, जितना देर रहना है पढ़िए, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए। तो एक वो चीज़ है कि शायद एक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की इतनी वैरायटी नहीं होने की वजह से शायद हमारे लिए उन पे ज़्यादा डिपेंड रहना, इससे एक ह्यूमन रिलेशनशिप ज़्यादा एक्सटेंड होता था, अब वो नहीं। और ख़ासकर कोविड के कारण जो ऑनलाइन आ गया है तो उसमें आपको लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट, बट मेरा अभी भी मानना है कि ठीक है कि पढ़ाई लिखाई के लिए टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी आपके पहले अथाह समुद्र खोल देती है कि देयर इज नो लिमिटेड नॉलेज विच यू कैन लर्न, बट फिर भी जो आपका एक ह्यूमन टच है विद योर टीचर्स विद योर फैकल्टी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अ प्रोसेस। अगर आपके लिए स्टूडेंट के लिए ग्रोइंग अ प्रोसेस है, उनके लिए एक मेंटरिंग प्रोसेस भी है, तो व्हेन द बुक ग्रो टुगेदर बोथ ग्रोस ग्रोइंग अप एंड द मेंटरिंग प्रोसेस कुड गो हैंड इन हैंड, तभी एक अच्छा स्टूडेंट बनता है और आगे अच्छा स्टूडेंट अच्छा ह्यूमन बींग बनता है। बिकॉज किताबें पढ़ के तो आप अच्छा स्टूडेंट बन जाए होगे, बट बिना मेंटरिंग आप अच्छे ह्यूमन बींग नहीं बन पाओगे। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। और अगर मेरे को याद है सही से कि हमारे यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसी लीजेंड्स भी रही हैं टीचर, जैसे प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद थे, उर्दू डिपार्टमेंट के थे, और आप समझ सकते हैं कि उर्दू का जम्मू में इतना नहीं था, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे और इकबाल पे उन्होंने काम किया था, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फिगर थे। तो ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, और जैसे मेरे अपने गाइड थे वो, मतलब मिनट टू मिनट, वर्चुअली मिनट टू मिनट मॉनिटर करते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आपकी कुछ यादें ऐसी हों जो आप याद करना चाहें और बताना चाहें हमसे? देखिए, मैं ये जैसे आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में रहा और लॉ डिपार्टमेंट में रहा, तो हमारे जो सबसे जो पहली टीचर थी पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर रेखा चौधरी जी जी। कि रेखा चौधरी जी उन्होंने नई नई अपनी रिसर्च ख़त्म करके उनके लिए भी अपॉइंटमेंट के कुछ शुरुआती दिन थे, उनको भी अच्छा लगता था कि कोई अच्छा स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ कि मुझे को मोल्ड करने में और मुझे गाइड करने में उनका बड़ा हाथ है। और
और साथ में मेरे हरदेव सिंह जी का नाम लिया कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और इसी तरीके से लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर भाटिया जी के जो लेक्चर हैं वो अपना मजाकिया स्टाइल में कर देते थे और लॉ को, बिकॉज लॉ कैन सम टाइम भी बोरिंग, इज इंटरेस्टिंग बट कई बार बोरिंग, बट वो बड़ी से बड़े कॉम्प्लेक्स जो प्रोपोजिशन भी लॉ की होती थी बड़ी आसान शब्दों में आपको समझा दिया करते थे। तो मुझे ये दो प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर रेखा चौधरी, प्रोफेसर भाटिया जी, और फिर बलबीर सिंह होते थे हमें पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाते थे, तो दे प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग मी थ्रू। और प्रोफेसर रेखा चौधरी जी से तो अभी मुलाकात होती है और भाटिया जी से सबसे मुलाकात होती है, एंड दे हैव ऑलवेज कि आपकी दे हैव ग्रोन मच बियॉन्ड देयर टीचिंग फील्ड, दे आर नाउ नेशनल फिगर्स। तो ब्रिटी एक कहावत थी हम कॉलेज के ज़माने में सुनते थे कि जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, एक्चुअल मतलब डिस्टेंस लर्निंग अलग बात है, वो शायद विजन अपना उतना नहीं बना पाते जितना उनके पास पोटेंशियल होता है। उनका पोटेंशियल यूनिवर्सिटी टेस्ट करती है और यूनिवर्सिटी उसको इनक्रेज करती है। आप ये जनरल बात है लेकिन आप इसको कैसे मानते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक जो कहा कि देखिए जैसे इस समय जो हुआ है कि ये जो बीमारी पैंडेमिक हुआ कोविड के कारण आपका जो एक ब्रेक आया और ऑनलाइन में तो ऑनलाइन के जो स्टूडेंट अब हमारे सामने आ रहे हैं तो उनको लगता है कि उनको कई स्किल सेट्स नहीं अवेलेबल हो जाते हैं और जो पास आउट भी कर गए हैं उनके जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन होते हैं ऑफ बीइंग ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ ए रेगुलर कोर्स, जो अगर उन्होंने मुश्किलें नहीं सीखी या मज़े नहीं लिए तो वो एक अच्छा विद्यार्थी और अच्छा इंसान नहीं बन सकते। तो आपने जैसे यूनिवर्सिटी प्रोसेस में आपका इंटेलेक्चुअल तो जो कैलिबर तो टेस्ट करते ही करते हैं कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं और आपको अगर मौका दिया जाए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं और गाइडेंस कितना, बिकॉज आपको कहता पात्र भी होना चाहिए कि आपको पढ़ाने वाला हो और आप पढ़ने वाले ना हो, तो इसे इसे प्रोसेस विच इज कोलैबोरेटिव प्रोसेस। बट पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी स्किल्स होती हैं जो जिंदगी में सफल होने के लिए आपको जो इंटरेक्शन जो है आपको हाउ टू मेक फ्रेंड्स, मतलब जो किताबें तो हम बाजार में बड़ी मिल जाती हैं हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड हाउ टू, लेकिन आपको रियलिटी में, क्योंकि जब आप हमारे टाइम भी आपने कहा ग्यारहवीं में कॉलेज में आ जाते हैं फिर यूनिवर्सिटी में जब आ जाते हैं तो यू आर रॉ, और खासकर फिर क्योंकि आपको हॉस्टलर से भी मुलाकात होती है, आपको डे स्कॉलर से भी मुलाकात होती है, हाउ डू यू नेविगेट योर प्रोसेस थ्रू द इंटायर रिलेशनशिप, उनके साथ किस तरीके से कुछ आप उनसे सीखते हो, कुछ अपनी जो आप में हुनर है आप उनसे शेयर करते हो। और सबसे ज़्यादा इसे मैंने शुरू कहा कि जैसे आपने शुरू की थी प्रोफेसर सत्यभूषण जी से कि मैसेज तो सिंपल होता है बट उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स आती हैं, आपकी डिप्लोमेसी टेस्ट प्रोसेस टेस्ट होती है, आपका वेदर यू कैन बी ए रिलायबल फ्रेंड और नॉट, बिकॉज ये जो दोस्ती दोस्त रिलेशनशिप बनते हैं दीज आर लाइफ लॉन्ग, आप जो एलुमनाई होते हैं फिर दुनिया भर में फैल जाते हैं और फिर आपको कई लगता है कि फोन अरे वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मैं एमए में पढ़ा हुआ है, हॉस्टल में साथ था, हॉस्टल में साथ था, इट बिकम द वर्ल्ड लार्जर फैमिली। तो आप जैसे घर में होते हैं तो ये इट्स अ बिगर फैमिली, यू बिकम अ मेंबर एंड उस फैमिली में बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप कम से कम दो साल गुजारते हो अगर कॉलेज को अलग कर दो एंड इफ यू डूइंग मोर देन वन डिग्री तो ज़्यादा, या रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा समय भी गुजार सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप बनते हैं और जो आपकी स्किल्स जो एक्वायर करते हैं ऑफ हाउ टू कैरी फॉरवर्ड दोस रिलेशनशिप्स, मैं समझता हूँ वो लाइफ की स्किल्स हैं और जो लाइफ सेविंग स्किल्स कह लीजिए कि जो आपको ज़िंदगी में किसी भी शोबे में चले जाएँ आपके लिए काम आएंगी। और वो स्किल्स आप तभी एक्वायर कर सकते हैं व्हेन यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट एंड ऑनलाइन में शायद आप ऑनलाइन में वो नहीं हो सकता। द जॉय ऑफ ग्रोइंग अप वेदर आप किंडरगार्टन में हैं या आप यूनिवर्सिटी में हैं, द जॉय ऑफ ग्रोइंग अप, द जॉय ऑफ बीइंग ए स्टूडेंट और द जॉय ऑफ एक्सप्लोरेशन कि आप कोई भी चीज़ नया आप पॉलिटिकल साइंस करें लॉ करें आप सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जो मज़ा जो है
वो एक रेगुलर स्टूडेंट का है, वो शायद ऐसी किताबें पढ़ के नहीं आता है। अभिनव जी, मैं एक जो जिससे हमने बात शुरू की कि 1969 में यूनिवर्सिटी का एक्ट बना था और स्थापित हुई थी, आज 53 साल हो गए, 53 ईयर्स, पहली बार फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और वाई नाउ, कुछ आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, दिस टू स्टार्ट ए गुड थिंग इज नेवर टू लेट। सो आप 53 साल में अगर पहली बार बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात। और टू रिकनाइज कि आप उस दिन को याद करें कि वेयर डिड वी स्टार्ट। तो फाउंडेशन डे होता है एक टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन होता है, आप उस दिन सोचते जरूर हो गया 53 साल पहले आप कितने थे, एक डिपार्टमेंट से शुरू किए थे या 50 साल स्टूडेंट थे और 4 फैकल्टी हैं, आज हम क्या हैं, आज हमारा परिवार 40 डिपार्टमेंट है और इतने हज़ार स्टूडेंट हैं और इतने सैकड़ों हमारी फैकल्टी है। तो ज़रूर उस पर जो जर्नी आपने ट्रेवल की है उसमें आपकी सक्सेसेस भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, और परेशानियों से हमेशा सीखता ही है। तो उस जर्नी को जब आप रीलिव करते हैं तो देयर इज़ अ लेसन फॉर द फ्यूचर कि आप अगले से पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। और बेटी, एक ये एज होती है जब यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, अब तो खैर बच्चे जाते हैं हमारे, तो वो एक बहुत एक नया वर्ल्ड होता है। कई लोग सिंगल एजुकेशन से आए होते हैं, लड़के या लड़कियां, और इधर से हमारे कुछ कोएड से भी आए होते हैं, लेकिन एक जो आपने पहले भी बात कही कि एक इंट्रैक्शन बनता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रमोशन होती है ह्यूमन रिलेशनशिप की, और कई जगह पे ये रिलेशनशिप जो है जब भी मैच मोमेंट में बदल जाता है। तो ऐसे कई किस्से जम्मू यूनिवर्सिटी के भी बहुत हैं जहाँ पे हमने देखा है कि हमारे क्लास फेलोज थे, सीनियर्स थे या आसपास के डिपार्टमेंट्स के थे, वो बाद में वेडलॉक में हो गए और अच्छी सक्सेसफुल लाइफ भी रही। तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे इतनी हमारी वो कुव्वत हो जाती है, ताकत हो जाती है समझने की कि कैसे हमने ज़िंदगी चलानी है और कैसे, मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। देखिए, ऐसा है कि ये डिसीजन जो वेडलॉक में जाना, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और ये काफ़ी सारे सरकमस्टांसेस की डिपेंड कर रहे हैं वेदर आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हो कि यू कैन रियली प्रिपेयर योर सेल्फ इकोनॉमिकली, यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट। हाँ, बट इस पूरे प्रोसेस में तो मैं समझता हूँ जब रिलेशनशिप बनते हैं तो कई ज़रूर उसमें होता है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आदमी को लगता है हाँ साहब मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो इट्स अगेन पार्ट ऑफ इज ए नेचुरल प्रोसेस, और कई सारे जो है सक्सेसफुली कल्मिनेट हो जाते हैं और अच्छा लगता है कि अभी का बगल में दोस्त स्टूडेंट है तो फैमिली बना के चले, क्योंकि मेरे अपने भी कई ऐसे दोस्त हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों हमारे क्लास फेलो रहे हैं और आज फैमिली उन्होंने एस्टैब्लिश की है, फील्स गुड की जो अंडरस्टैंडिंग उसमें बन जाती है वो उनको मदद करती है। दूसरा, इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, जी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे चली है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है और बहुत सी ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जैसे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है जहाँ पे मेजर फंक्शंस होते हैं आजकल जम्मू के, जो प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के ज़माने में क्रिएट किया गया। लेकिन एक चीज़ की कमी जो मेरे को नज़र आती है, शायद आप उस पर ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, एक हमारा रिसर्च वर्क जो है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं आ रहा जिस स्टैंडर्ड से हम कंपीट कर सकें। और मैं ये कहने में मेरे को कोई कोताही नहीं है, कहीं जगह पे तो कट एंड पेस्ट हो जा रहा है कि एक स्कॉलर ने लिख दिया तो उसी को कट एंड पेस्ट करके इधर उधर से टाइटल भी चेंज कर दिया, तो वो भी होता है। तो ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी की जो इमेज बननी चाहिए थी, क्या उस पर कोई असर नहीं पड़ता? देखिए, ये जो आप जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि लैक ऑफ और इनसफिशिएंट रिसर्च वर्क और क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क,
मेरे ख्याल में एक जम्मू यूनिवर्सिटी उसी भी ये बीमारी का शिकार है जो हमारे पूरा एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन सेक्टर में इस किस्म की परेशानियां आ रही हैं, पर पहले से फिर भी काफ़ी बेहतरी उसे हो चुकी है। देखिए, कट एंड पेस्ट ना हो ये तो आदमी के अंतरात्मा में डिपेंड करता है कि बट अब ऐसे टूल भी बन गए हैं जिसमें अगर करें तो आप पकड़े जा हाँ सकते पकड़े हैं, जा सकते हैं, पकड़े जा आराम से सकते हैं, पकड़े जा आराम से सकते पकड़े जा सकते हैं। हैं। तो ये रिसर्च वर्क तो पहले तो ये है कि आपके एवेन्यूज होने चाहिए और आप में मोटिवेशन होना चाहिए मोटिवेशन कि चाहिए, आप करें, बट अब अगर आप थोड़ी गड़बड़ करते हैं तो वो वो आपके गूगल पास बता देता है। गूगल बता देता है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं उसमें आप डालें तो आपको बता देता है कि आपने कहाँ से लिया है, अगर एक्नॉलेज किए बगैर लिया है तो आपको उस प्रोसेस में उलझ सकते हैं, प्लेजरिज्म में आप जा सकते हैं। तो बट हैविंग सेड दैट कि यस वी स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो, कि बट साइंस डिपार्टमेंट में जम्मू यूनिवर्सिटी के जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्योंकि काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है तो इट नहीं, इज़ उस पे अर्न, काफी रिसर्च दे हुई है। हैव अर्न ए नेम फॉर इट सेल्फ। एंड सिमिलरली आपका ये जो लॉ डिपार्टमेंट अब जो है कि उसका भी अपना अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं यहाँ से, और जम्मू यूनिवर्सिटी एज एज ए ग्रेड ए नैक जी, एक्रेडिटेड उसमें अब तो यूनिवर्सिटी में है, तो रिसर्च वर्क में यस कि जितना होना चाहिए मैं कहता हूँ कि वो नहीं है, बट पहले से कहीं बेहतर है। दूसरी बात जो मैं ब्रीफली टच करना चाहूँगा कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात हो या वैसे भी बात हो इंस्टीट्यूशंस में, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन में अभी उतनी ट्रेनिंग नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि जो नए बच्चे कॉलेजेस पे हैं आजकल या स्कूल्स पे, उनका आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने खुद भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि आर्टिकुलेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में कहीं ना कहीं हम उस स्टैंडर्ड पे नहीं जहाँ पे होना चाहिए, या बाकी हमारे जम्मू कश्मीर के या बाकी भारत के हिस्से में है आर्टिकुलेशन। इस पे क्या है कारण है? ये थोड़ा डिफिकल्ट टू पुट योर फिंगर कि इस तरीके से आप यही कह सकते हैं, यस इस फैक्ट कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी जितनी अच्छी होनी चाहिए हमारे उतनी अच्छी नहीं है। बट फिर भी जैसे मैंने शुरू कहा कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे आप अपनी स्किल को होन कर सकते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस स्टेज पे आने का, चाहे आप ड्रामा या ड्रामेटिक का एसोसिएशन का जो आपकी बॉडी बनती है उसका हिस्सा बन जाएं कि आप ड्रामा करें, प्लेस करें, या आप डिबेट्स और सेमिनार्स में हिस्सा लें, तो वो आपकी स्किल को काफ़ी हॉन इसको करता है होन उसको। करते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग की तरफ रुख किया और मुझे मौका मिला कि नहीं, यू आर ए वेरी गुड डिबेटर, आई मीन मैं तो आई एक नो यू वन मेनी प्राइजेस एक मौका मिला तो उससे जो होगा कि वो दैट जो कॉन्फिडेंस और स्किल है वो आप जिंदगी में सारे साथ आपको चलता है हर यू जगह, एंड योर सिस्टर बोथ वर तो थैंक वेरी यू। मच बेटर। बट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने दी, बट ये अल्टीमेटली देखिए ये ऐसी स्किल कोई कोई आपको घर आगे तो देगा नहीं, ये आपको खुद एक्वायर करनी है, खुद एक्वायर करनी है। और उसके लिए मोटिवेशन हो उसके लिए सकता मोटिवेशन, जैसे रिसर्च के लिए आपके अंदर आत्मा कि आई हैव टू बी गुड स्पीकर, क्योंकि आपको जो स्किल जो हैं ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में काम नहीं आएंगी, है। ये आपको व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू सेट योर फैमिली, अगर आपने वहाँ भी काम आएंगी तो आपको अगर अपने बच्चों को गाइड करना है तो तो यू वहाँ हैव भी टू काम आएंगे, डू, आई अगर आप मीन हमेशा चुप ही रहेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। दैट्स ट्रू, तो दैट्स ट्रू। ये एक है, तो मेरे ख्याल में ये होती सब में है, सिर्फ ये है कि बाहर आने में थोड़ा बाहर टाइम आने लगता में है। टाइम तो बट यस कि मैंने जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में था तो कई बार वो चीज़ें महसूस करता था कि लगता इस बारे में हम थोड़ा है। और काम काम कर करने की ज़रूरत है, रहा लैग कर जाते हैं। तो शायद एक अगर मैसेज हो जम्मू यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, एक ये चीज़ होनी चाहिए कि अदर देन दी ये पूरी एकेडमिक लाइफ में काम पूरी आएगी, लाइफ में, कि अदर देन दी एकेडमिक कोर्सेज विच आर और फॉर गेटिंग फेमिलियर जॉब्स, और गेटिंग जॉब्स, देर कुड बी ए कैप्सूल इन लाइफ स्किल्स दैट्स ट्रू। एंड प्रोबली ए कोर्स
कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग कुड भी बढ़ा दे कम्युनिकेशन स्किल की अच्छा ये भी आपको काम आ सकती है। तो ब्रज जी हम फिर उसी पे आते हैं कि कल यानी कि 5 सितंबर को जम्मू यूनिवर्सिटी अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रही है। प्रोफेसर उमेश राय जो वाइस चांसलर हैं जिन्हें इनोवेशन मैन भी कहा जाता है ये उनका इनिशिएटिव है वो आगे ले जा रहे हैं। इस फाउंडेशन डे के मनाने के बाद हम अपना फ्यूचर किस तरह से देखें, हमारे युवा जो हैं जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं या जाने वाले हैं कैंपस पे, मेरा कहने का मतलब होता वो अपना भविष्य हम उनका रोड मैप कैसे तय कर सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए विशेषकर पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका चौमुखी मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट भी है और मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी भी है। आपने यू हैव accomplished and excelled in many fields, so that's why I'm asking this question. देखिए पहले तो हम सबको बधाई है कि हम जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, मैं रहा हूँ, आप भी रहे हैं और आपके सुनने वाले इस प्रोग्राम के बहुत सारे उसमें भी रहे होंगे, हम सबको बधाई है कि हमारा 53rd जो फाउंडेशन डे है। और जैसे मैंने कहा कि जो फाउंडेशन डे होता है इट्स ए टाइम टू रिकलेक्ट एंड रीलिव एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि मैं पहले से चीज़ें बेहतर कैसे कर सकता हूँ, अगर जो मैंने किया है तो कुछ अगर मेरे से कमियाँ रह गई हैं दूर कैसे कर सकता, और एट द सेम टाइम आप अपने लिए टारगेट्स और सेट कर सकते हैं। तो शायद हम जैसे अपना NAC एक ग्रेड यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग हम अगर अब मैं भी अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि हम 50s में कहीं हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आज फाउंडेशन डे हम तय कर सकते हैं कि नहीं हम कम से कम 10 पायदान जंप करेंगे तो हम नंबर वन बनने की कोशिश, कंपटीशन ज़रूर है, आप जितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अपने फाउंडेशन डे पर यही एक लेती होगी प्रण, तो आप अपनी रैंकिंग को पहले से कम 10-15 लिए रैंकिंग ऊपर करें, उसके लिए जो आपको करना चाहिए और रिसर्च के लिए उसके बिकॉज अलग अलग पैरामीटर, आप रिसर्च क्या करते हैं, आपकी टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, आपका प्लेसमेंट क्या है, आपका करिकुलम किस किस्म का है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस्म का है, तो उन सब पैरामीटर्स को लेके दी एज ए यूनिवर्सिटी एज ए फैमिली एंड वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश जी को इस बात की बधाई है कि ये सेहरा उनके सिर पे है और मौका मिला उनको बनना है कि वो अपना टारगेट सेट करें इन पैरामीटर के हिसाब से मैं पहले से कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और जो बच्चे अब इस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक मौका है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि विच इज़ 53 ईयर ओल्ड, अन्य पुरानी यूनिवर्सिटी है, हर हिस्ट्री जो इस किस्म उसकी एक हिस्ट्री होती है उसमें लेसन होते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी उनको अवेलेबल कराएगी एंड दे आर इन वेरी सेफ हैं बिकॉज एक पुरानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे नए कोर्सेज हैं और फैकल्टी नई है, तो जो चीज़ें यूनिवर्सिटी को रैंकिंग इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है शायद इनका कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे ज़्यादा है कि अपने एकेडमिक्स में अपनी स्पोर्ट्स में बिकॉज यही स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क का हिस्सा भी है, यही रिसर्च एमफिल करेंगे या पीएचडीज करेंगे या और डिसर्टेशन डॉक्टर्स पोस्ट डॉक्टरल करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये सीखने के साथ साथ अपना तो भला करेंगे अपना डिग्री हासिल करेंगे, पर इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एक रैंकिंग पे जब हमने एंटर किया था तो इफ़ यू डू वेल तो यू कैन आल्सो इम्प्रूव द रैंकिंग, तो दिस इज आल्सो ए रिफ्लेक्शन इन योर कंट्रीब्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने लिखने की एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप पे बनता है कि आप अपनी मेहनत करके अपना तो पढ़ाई लिखाई डिग्री हासिल करें और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इम्प्रूव करने में जो अपना रोल है वो भी प्ले करें। तो आज की फाउंडेशन डे में ये उनके लिए है कि एक मौका है, अपना तो हम सीख सकते हैं पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे करते हैं इस पे भी वो विचार करें। इस पे मैं एक बात और जोड़ना चाहता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि चांसलर भी हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस आइडिया को दिया और प्रमोट किया, और क्योंकि चांसलर्स का आपने तो यूनिवर्सिटी काउंसिल्स की मीटिंग भी अटेंड करी हैं और अटेंड क्या करी है, यू हैव बीन द इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, और आपने बहुत से चांसलर्स देखे हैं इस दौरान अपने करियर के दौरान, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का मौका ये कल का मतलब
जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होगा उसमें चांसलर्स का कितना रोल रहता है आगे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में जो यूनिवर्सिटी को हेल्प करे? देखिए चांसलर तो मैं कहता हूँ उनका अगर मैं हाथ यूनिवर्सिटी के सिर पे नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी तो प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती, बिकॉज एज ए चांसलर आप गाइड करते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको आगे रास्ता किसे चलना है, उनको जो रोड मैप है उस पे उनको बताते हैं। तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे पास मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं बड़े प्रोएक्टिव हैं, और उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, खुद उनका जो नाता है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और खुद वो टीचिंग फैकल्टी में भी रहे हैं और वहाँ से उन्होंने एमटेक हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस और एज ए पॉलिटिशियन पार एक्सलेंस एज भारत सरकार में मंत्री का जो एक्सपीरियंस है वो कंबाइन करके जो उसको जो यूनिवर्सिटी का जो विजन है उसको शेप करने में वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ऐसा ये फाउंडेशन डे जो ऑब्जर्व करना ये भी उनकी तरह से ही एक इस किस्म का एक नज है और जिसको हम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। तो जो चांसलर का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे फील्ड में। इसी के साथ ब्रिज है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत सी यादें शेयर की, बहुत सा विजन दिया, और हम समझते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये जो बातें आपने कही हैं, क्योंकि आपने सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी और IUST और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आपका काफ़ी नाता रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम मशहूर हैं कि आपने हमारे साथ अपना वक्त शेयर किया। शुक्रिया। थैंक यू।